Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, chapter number 7, permutation, combination and probability. Aur is chapter ka, yani ke chapter number 7 ka last topic hum is lecture se start karenge. Last topic hai multiplication of probabilities. To topic ka naam main yahan par likh deta hu, multiplication of probabilities. अच्छा, हमने इससे पहले जो है एडिशन या सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज को हमने देखा, ठीक है, सबट्रैक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटीज को हमने देखा, बल्कि सिर्फ हमने सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज को देखा, उसमें से हमने जो है एक फार्मूला में आता था, यानी कि हमने सबट्रैक्ट करनी होती थी प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी की. अच्छा, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हम प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है, और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन किन किन को, डिपेंडेंट इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज को, ठीक है, डिपेंडेंट इवेंट की प्रोबेबिलिटीज को जो है वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और साथ ही हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स को भी की प्रोबेबिलिटीज को भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, डिपेंडेंट इवेंट की प्रोबेबिलिटीज को भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट की प्रोबेबिलिटीज को भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन को देखने से पहले, ठीक है, उसको डिस्कस करने से पहले हमें ये चेक देखना चाहिए, ये समझना चाहिए कि डिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं और इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं, तभी हमें जाकर समझ आएगी उनकी मल्टीप्लिकेशन किस तरह से हम कर सकते हैं. ठीक है, तो चलें एक एग्जांपल के साथ हम समझते हैं डिपेंडेंट इवेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट को. लेट्स सपोज मेरे पास जो है एक बॉक्स है, ठीक है, यहां पर मैं ये बॉक्स बना रहा हूं. अच्छा, ये हमारे पास क्या है, बॉक्स है, इसमें कुछ बॉल्स मैं बना देता हूं डिफरेंट कलर्स की, ठीक है, कुछ ग्रीन कलर की, कुछ जो है वो रेड कलर की बना लेंगे. ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि 12 बॉल्स बना लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है, और इसी तरह से रेड कलर की बॉल्स भी मैं बना देता हूँ, बल्कि इसको हम ऐसा करते हैं मिक्स कर देते हैं ताकि वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स. ठीक है, अब मैं रेड कलर की बॉल्स भी सिक्स बना लेता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पर करके सिक्स बॉल्स. अब ये एक बॉक्स हमारे पास है जिसमें हमारे पास कितनी बॉल्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी कि 6 जो हैं वो ग्रीन बॉल्स हैं और 6 जो हैं वो रेड बॉल्स हैं. ठीक है, अब हमने इसमें से 4 बॉल्स बाहर निकालनी है, यानी कि 4 बॉल्स जो है वो ड्रॉ करनी है, इस बॉक्स में से निकालनी है. ठीक है, और दो दफ़ा निकालनी है, मतलब कि पहले मैं 4 निकालूंगा, उसके मैं पहले प्रोबेबिलिटी देखूं यार कि कौन कौन सी बॉल आ सकती है मेरे हाथ में 4 में से. ठीक है, रेड कितनी आएगी और ग्रीन कितनी बॉल्स आएंगी उन 4 में से. ठीक है, तो सेकंड टाइम निकालूंगा तब कितनी आएगी. लेकिन इसमें दो सिनारियोज हो सकते हैं. ठीक है, एक सिनारियो मैं आपके सामने बनाता हूँ. एक सिनारियो ये है कि ये मैंने बाहर जो है 4 बॉल्स निकाली इसमें से, एक जो है वो ग्रीन निकलाई और बाकी जो हैं 3 जो वो रेड निकलाई. ठीक है, 4 टोटल मैंने बॉल्स बाहर निकाली, अंदर कितनी बॉल्स रह गई, अंदर जो है यानी कि 3 इसमें से निकल आई हैं रेड में से, तो 3 रह जाएंगी रेड अंदर, 1, 2, 3. ठीक है, ये 6 होगी. उसके अलावा ग्रीन बॉल्स जो हैं वो 1 निकली है, मतलब के 5 बॉल्स जो है वो ग्रीन रह गई हैं, 1, 2, 3, 4, 5.
तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 एट बॉल्स अंदर रह गई हैं बॉक्स के अंदर हैं और चार बॉल्स मैंने बाहर निकाली, ठीक है, जिसमें से एक ग्रीन निकली और तीन रेड निकली हैं। अब देखें ये तो फर्स्ट ड्रॉ था, इसको हम कहते हैं फर्स्ट ड्रॉ, फर्स्ट ड्रॉ। अब सेकंड ड्रॉ की मैंने बात की थी, ये सेकंड ड्रॉ में भी हमने फोर बॉल्स निकालनी है, ठीक है। तो इस तरह से हम करते हैं कि अब मैंने जो है वो बॉल्स को वापस रख दिया बॉक्स के अंदर, इन चार जो मैंने निकाली हैं, ठीक है। तो ये बन गया 1 2 3 4 5 एंड 6, और इसी तरह से रेड बॉल्स भी 6 1 2 3 4 5 एंड 6। फिर दोबारा से बॉक्स में 12 बॉल्स हो गई हैं, ठीक है। अब हमने सेकंड ड्रॉ के लिए बॉल्स बाहर निकालनी है, बॉल्स रिप्लेस्ड, इसको मैं लिख देता हूँ बॉल्स रिप्लेस्ड, दोबारा से मैंने रख दी बॉक्स के अंदर। अच्छा अब क्या है, अब यह है मैंने दोबारा से सेकंड ड्रॉ करना है, ठीक है। दोबारा से मैंने चार बॉल्स हैं वो निकालनी है। तो सपोज किया कि सेकंड ड्रॉ में हमारे पास जो है रिजल्ट में दो ग्रीन बॉल्स आ गई और दो रेड बॉल्स आ गई, ठीक है। तो बाकी अंदर कितनी बची हैं, चार जो हैं वो रेड बच जाएंगी, 1 2 3 एंड 4, ठीक है, और चार ही ग्रीन बॉल्स बॉक्स में बच जाएंगी, 1 2 3 4, ये बॉल्स जो हैं बॉक्स में बच गई। अब देखें इसमें डिपेंड नहीं कर रहा एक दूसरे के ऊपर ज़रा भी, ठीक है। आप देखें तो इसमें क्या हो रहा है, पहले मैंने बॉल्स जो हैं चार निकाली फर्स्ट ड्रॉ में, ठीक है, उसके बाद मैंने बॉल्स को वापस बॉक्स में डाल दिया, ठीक है, और फिर क्या हुआ, फिर मैंने सेकंड ड्रॉ किया, ये है सेकंड ड्रॉ, ठीक है। ये एक सिनारियो था, इसको मैं कह देता हूँ सिनारियो वन, या फिर इसे केस वन कहा जाएगा, ठीक है, केस वन। अब हम सेकंड केस के ऊपर जाते हैं, दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस ये हो सकता है कि हमारे पास वही बॉक्स है, ठीक है, जिसमें 12 बॉल्स पड़ी हुई हैं, 6 जो हैं वो ग्रीन हैं और 6 जो हैं वो रेड हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, 6 ग्रीन और 6 रेड, वही यानी कि जो शुरू में हमारे पास था कि 12 बॉल्स हैं। लेकिन ये हमारे पास अब क्या है, सिनारियो 2 है या केस 2, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, हमने इसमें भी बॉल जो है चार ही विड्रॉ करनी है, बाहर निकालनी है, ठीक है। तो चले निकाल लेते हैं, फर्स्ट ड्रॉ हम कर रहे हैं, लेट्स सपोज हमारा जो रिजल्ट में आया है तीन बॉल्स जो हैं वो ग्रीन आई हैं, ठीक है, जो हमने चार बॉल्स निकाली उसमें से, ठीक है, एक बॉल जो है वो रेड निकली है। तो अब हम देखते हैं कि बाकी बॉक्स में कितनी बची, 1 2 एंड 3, थ्री बॉल्स जो हैं वो ग्रीन बची हैं और रेड कितनी बची, 5 बॉल्स होंगी क्योंकि टोटल 6 हैं, 2 3 4 5, ठीक है, ये 12 बॉल्स कंप्लीट हुई। ये था फर्स्ट ड्रॉ हमारा। अब देखें सेकंड ड्रॉ के लिए, मैं अब पहले मैंने क्या किया था, पहले मैंने किया था कि मैंने वापस डाला था बॉक्स में सब बॉल्स को, ठीक है, इन चारों को, फिर मैंने जो है सेकंड ड्रॉ किया था। लेकिन अब मैं इन चार को नहीं डालता, ठीक है, इन चार को नहीं डालता, मैं वही जो पड़ी हुई हैं बॉल्स यानी कि 1 2 एंड 3, ठीक है, और जो रेड बॉल्स हैं 5 हैं, 1 2 3 4 एंड 5, अब इनमें से मैं सेकंड ड्रॉ करता हूँ। पहले तो मैंने ये किया था ना कि मैंने फर्स्ट ड्रॉ किया उसके बाद वापस डाल दी, ठीक है, और फिर मैंने सेकंड ड्रॉ किया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट ड्रॉ किया, जो ड्रॉ की हैं बॉल्स बाहर निकाली हैं बॉक्स से वो बाहर ही रहने दूंगा, अब जो बाकी रह गई हैं उसमें से सेकंड ड्रॉ करूंगा,
ठीक है, तो चलें हम सेकंड ड्रॉ करते हैं। अब मैंने सेकंड ड्रॉ किया तो इसमें से हमारे पास जो है वो सपोज किया, दो जो है वो ग्रीन आई हैं और दो ही रेड आई हैं, ठीक है। तो चलें अब इसमें कितनी बच गई, दो हमने जो है वो रेड निकाल ली, तो रेड कितनी बच गई, तीन, वन टू एंड थ्री, और बाकी ग्रीन जो है वो कितनी बचेंगी, एक बचेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप डिफरेंस आप देखें सेकंड ड्रा में क्या आया है, दो सिनारियोज में डिफरेंस क्या है। फर्स्ट सिनारियो में ये था, अब जो समझने वाली चीज़ है वो आप समझें, सिनारियोज तो आपको समझ आ चुके होंगे, ठीक है। जो समझने वाली चीज़ है वो अब आपने समझनी है कि फर्स्ट केस में आप देखें हमने फर्स्ट ड्रॉ कितने में से किया, 12 बॉल में से, ठीक है, चार बॉल्स निकाली, लेकिन उसमें हमने वापस बॉल्स को रिप्लेस किया, फिर हमने सेकेंड ड्रॉ भी 12 बॉल्स में से किया। लेकिन सेकेंड सिनारियो में क्या हुआ है, सेकेंड सिनारियो में ये हुआ है कि हमने फर्स्ट ड्रॉ जो है वो 12 बॉल्स में से किया और सेकेंड ड्रॉ जो है वो बाकी जो बच गई थी रिमेनिंग बॉल्स, ठीक है, बॉक्स के अंदर जो फर्स्ट ड्रॉ के बाद बाकी बच गई थी उसमें से हमने सेकेंड ड्रॉ किया। तो अब यहाँ से देखें फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि ये डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। हमने जो है रिज़ल्ट, फर्स्ट का रिज़ल्ट और सेकेंड का रिज़ल्ट बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, मतलब कि अब हमने जो है 12 बॉल में से चार बॉल्स निकाली, क्या रिज़ल्ट आता है उसकी अपनी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। और सेकंड जो ड्रॉ किया है उसमें से वो भी हमने 12 बॉल में से किया, उन्हीं 12 बॉल में किया, ठीक है। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी जो है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रही किसी तरह से भी, क्योंकि ये भी 12 बॉल्स में से हमने विड्रॉ किया, ये भी 12 बॉल्स में से हमने विड्रॉ किया, अब कुछ भी कर लें, ठीक है, ये दोनों की प्रॉबिलिटीज़ एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। लेकिन अब इस केस में क्या है, इस केस में कैसे डिपेंड कर रही हैं, इस केस में पहले तो मैं बताऊं कि ये डिपेंड कर रही हैं, ठीक है। फर्स्ट ड्रॉ का रिजल्ट, सेकंड ड्रॉ का रिजल्ट जो है वो फर्स्ट ड्रॉ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। वो कैसे डिपेंड कर रहा है, अगर यहाँ पर जो है हमने फर्स्ट ड्रॉ किया और हमारे पास तीन बॉल्स निकली ग्रीन और एक आई रेड, तो सेकंड ड्रॉ हमने किस में से किया, सेकंड ड्रॉ हमने किया है तीन जो है ग्रीन और पांच रेड में से ड्रॉ किया, जबकि हमने फर्स्ट ड्रॉ में से जो है वो सिक्स ग्रीन और सिक्स रेड बॉल्स में से ड्रॉ किया था, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटीज में तो डिफरेंस पड़ता है ना, सही है, क्योंकि आप एक चीज़ जो है इसमें से चार बॉल्स निकाल रहे हैं, ठीक है, छः ग्रीन बॉल्स हैं और छः रेड बॉल्स हैं, आपका रिजल्ट क्या आएगा वो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, इस चीज़ पे है कि आपके पास 12 बॉल्स हैं, सेम सिंपल प्रोबेबिलिटी है। लेकिन सेकंड में क्या हो रहा है, अगर इसका रिजल्ट चेंज हो जाए, मतलब कि दो रेड हो जाएँ और दो ग्रीन हो जाएँ, तब सेकेंड के लिए हमारे पास जो है सैम्पल स्पेस जो है वो चेंज हो जाती है, ठीक है, इसमें से एक रेड ज़्यादा हो जाएगा और एक, बल्कि एक रेड कम हो जाएगा और एक ग्रीन जो है वो बढ़ जाएगा, अगर मैं बात करता हूँ कि फर्स्ट ड्रॉ का रिजल्ट आया दो ग्रीन और दो रेड, ठीक है, इस केस में तो तीन है ना, तीन ग्रीन और वन रेड है। अगर रिजल्ट चेंज होता है फर्स्ट ड्रॉ का तो वो अफेक्ट करता है सेकेंड ड्रॉ के रिजल्ट पर, तो मतलब कि इससे ये क्लियर होता है कि सेकेंड ड्रॉ का रिजल्ट जो है वो डिपेंड कर रहा है फर्स्ट ड्रॉ के रिजल्ट पे। इस तरह से ये दोनों इवेंट्स जो हैं एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, इसको कहते हैं डिपेंडेंट इवेंट्स, डिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है। और जो हमने फर्स्ट सिनेरियो देखा उसमें तो आप देखें उसमें हमने जो है फर्स्ट ड्रॉ किसमें से किया, सिक्स ग्रीन बॉल्स और सिक्स रेड बॉल में, यानी कि टोटल जो है 12 बॉल्स में से हमने विड्रॉ किया। सेकंड
अब जो भी रिजल्ट इसका आता है, बेशक 3 रेड और 1 ग्रीन आ रहा है या 2 रेड और 2 ग्रीन आए या 1 रेड और 3 ग्रीन आए, ठीक है, जो मर्जी रिजल्ट आए, हमने तो वापस रिप्लेस करनी है ना बॉल्स, फिर दोबारा से सेकंड ड्रॉ करना है, इसलिए सेकंड ड्रॉ का रिजल्ट फर्स्ट ड्रॉ पे डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है, इन दोनों का आपस में कोई कंसर्न नहीं आपस में, ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट रिजल्ट या इवेंट। ये दोनों इवेंट्स जो हैं फर्स्ट ड्रॉ और सेकंड ड्रॉ आपस में इंडिपेंडेंट है। अच्छा, हमने जो है अभी यानी कि इस बुक में जो पढ़ना है वो हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रॉबिलिटीज सिर्फ इंडिपेंडेंट की पढ़नी है, ठीक है, यानी कि हमारे बुक का स्कोप आप कह लें कि फर्स्ट ईयर की बुक का स्कोप जो है मैथ्स का वो सिर्फ इंडिपेंडेंट इवेंट्स की प्रॉबिलिटीज पे है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ, चलो मैं लिख देता हूँ कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स ठीक है। मल्टीप्लिकेशन हम पढ़ रहे हैं किसकी, पढ़ेंगे किसकी, सिर्फ इंडिपेंडेंट इवेंट की प्रोबेबिलिटीज की मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, जो हमने ऊपर यानी के समझा है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट्स को, ठीक है, उसको मैं डेफिनेशन में भी लिख दूं। टू इवेंट्स ए एंड बी आर सेट टू बी, ये मैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, टू इवेंट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इंडिपेंडेंट, कब हम उन्हें इंडिपेंडेंट कहेंगे, कब वो इंडिपेंडेंट होते हैं इवेंट्स, इफ द ऑकरेंस ऑफ एनी इवेंट या एनी वन वन ऑफ देम डज नॉट इन्फ्लुएंस द अकरेंस ऑफ द अदर इवेंट। इस डेफिनेशन का मतलब क्या हुआ कि दो इवेंट्स हैं हमारे पास ए और बी, ठीक है, उन्हें हम तब इंडिपेंडेंट कहेंगे जब एक इवेंट के ऑकर होने पे दूसरे इवेंट का अफेक्ट ना हो या इन्फ्लुएंस ना हो, दूसरे इवेंट के ऑकर होने का इन्फ्लुएंस ना हो, ठीक है। तो मतलब कि एक दूसरे, दोनों इवेंट्स जो हैं ए और बी एक दूसरे पर डिपेंड ना कर रहे हों, यानी कि इनके ऑकर होने, इवेंट्स के ऑकर होने का इन्फ्लुएंस एक दूसरे पे ना हो, ठीक है, तब ये दोनों इवेंट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहलाएंगे, ठीक है। और इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि फर्स्ट इवेंट जो है ए इवेंट वो ऑकर हो या ना हो बी पे फर्क नहीं पड़ता, या फिर बी इवेंट जो है वो ऑकर हो या ना हो ए इवेंट के रिजल्ट पे या प्रोबेबिलिटी पे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हम साथ में ये भी लिख देते हैं, इन अदर वर्ड्स रिगार्डलेस ऑफ वेदर इवेंट ए has or has not occurred, यानी कि वो occur हुआ या नहीं हुआ, ठीक है, if the probability of b event b remains the same,
यानी कि सपोज किया कि ए इवेंट जो है वो ऑकर हो गया और बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या है 0.75, ठीक है, सपोज किया। तो दूसरा केस क्या है कि ए इवेंट ऑकर नहीं हुआ, ए इवेंट जो है वो ऑकर नहीं हुआ, तो बी प्रोबेबिलिटी जो है बी की वो 0.75 है, यानी कि उसके उसकी प्रोबेबिलिटी पे फ़र्क ही नहीं पड़ा, चाहे वो ए इवेंट ऑकर हो रहा है या नहीं हो रहा। या इसी तरह से हम कह सकते हैं कि बी इवेंट जो है वो ऑकर हुआ और ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.6 है, ठीक है। तो अब बी इवेंट जो है वो ऑकर नहीं हुआ, तब भी ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.6 है, ठीक है। मतलब कि फ़र्क नहीं पड़ रहा, किसी के ऑकर होने से दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी पे फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है। इस लेक्चर में हमने जो है वो बहुत डिटेल में हमने समझा है इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है और डिपेंडेंट इवेंट क्या होता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इनकी यानी कि इंडिपेंडेंट इवेंट की मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं।